गुड डे टू ऑल नाउ टूडेज टॉपिक इज फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम फिगरेटिव स्पीच भी कहते हैं या फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं पोइट्रीज के स्टैंड को लेके या इवन कॉम्प्रीहेंशन में अगर पोइट्रीज आती हैं तो फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक सेंटेंस अगर कोई भी आपको एक सेंटेंस दिया है एग्जाम में उस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच क्या है नाउ लेट्स डू सम फिगर ऑफ स्पीच टूडे आई विल डिवाइडिंग दिसो इन टू पार्ट्स नाउ टूडे इज पार्ट वन सबसे पहले हम लेते हैं सिमली सिमली वो फिगर ऑफ स्पीच है अगर एक सेंटेंस में आप ये टिप रखिए माइंड में अगर किसी भी सेंटेंस में आज या लाइक ये दो वर्ड्स आते हैं तो और फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है हमें तो फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली यानी कि ही वॉक्स लाइक अ टोटोइज टोटो की तरह चलता है तो हमें यहां पे टॉटोइ से कंपेयर किया है ही वॉक्स लाइक अ टोटॉइज तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली क्योंकि इसमें लाइक like आ गया नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एज स्मार्ट एज हर मदर वो अपनी मॉम के जैसी स्मार्ट है तो एज मैंने आपको क्या बोला दो टिप्स बोले एज और लाइक आप ये दो टिप्स लर्न करिए अगर सेंटेंस में आज या लाइक है तो फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली ना लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट इज अलिट्रेशन। एलिट्रेशन में हम क्या देखते हैं हम वर्ड का पहला अल्फाबेट नोट करते हैं सपोज इट इज द रेपिटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड जैसे शी सेल्स सी शेल्स शी सेल्स सी शेल्स अब आप देखिए यहां पे एस है सेल्स में एस है और सी शेल्स में भी एस है और इनकी साउंड क्या आ रही है हमने बेसिकली साउंड देखनी है पहले अल्फाबेट सेम देखा और फिर साउंड देखी सी सी शेल्स सी सी शेल्स सेल्स स साउंड क्या आ रहा है स तो अल्फाबेट भी सेम है एस एस और साउंड भी सेम है नॉर्मली हम क्या मिस्टेक करते हैं हम खाली पहला अल्फाबेट देखते हैं ओके फर्स्ट अल्फाबेट इज ए ए ए सब में ए है तो अलिट्रेशन है नहीं आपने अल्फाबेट भी देखना है और आपने साउंड भी देखनी है नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ब्लू बेबी स्लीप्स ब्लू बी और बी ओके अलिट्रेशन बी और बी है अब मैं साउंड की तरफ जाऊंगी ब्ल ब्लू बेबी ब तो ब साउंड ब, भी आ रही है और अल्फाबेट भी हमारा सेम है तो दिस इज अलिट्रेशन और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्जीमरॉन ऑगिम में हम क्या देखते हैं आप एक चीज ध्यान रखिए वेन टू कॉन्ट्रोडिक्टी टर्म्स आर यूज हम कॉन्ट्रडिक्टी टर्म्स किसे कहते हैं ऑपोजिट टर्म्स को जैसे शी इज प्रीटी अगली प्रिटी प्रिटी ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम अग्ली शी इज प्रिटी अग्ली तो मैंने ये दो वर्ड्स कॉन्ट्रोडिक्ट्री वर्ड्स एक ही लाइन में यूज नेक्स्ट इज दिस इज नॉट योर नेचुरल एक्टिंग नेचुरल बाय नेचर एक्टिंग जब हम एक्टिंग करते हैं तो नेचुरल और एक्टिंग फिर ये दो कॉन्ट्रोडिक्ट्री ऑपोजिट वर्ड्स यूज हैं तो ऑक्जीमर इज वेरी इजी टू जज बस आपको पता होना चाहिए आपने वर्ड्स ढूंढने हैं अगर उस सेंटेंस में वर्ड्स ऑपोजिट आ रहे हैं तो इट्स ऑक्जीमरॉन नेक्स्ट इज आई वॉन्ट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आई वॉन्ट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ओरिजिनल और कॉपी अगेन दो Words तो में दो वर्ड्स होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं एक ही सिंगल लाइन में उसको हम कहते हैं कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं किन है इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना लेट्स मूव ऑन टू मेटाफॉर अब मेटाफॉर में आपने क्या देखना है सपोज मैंने सिमली में क्या बोला ही वॉक्स लाइक अ कि वो टोटो की तरह चलता है बट मेटाफॉर्म में मैं उसी को वो बना देती हूं वो टॉटॉयज है उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं वो टोटॉइज है तो so, मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को बना दिया टोटॉइज जैसे ही इज लाइक अ लायन अगर मैं बोलूं ही रोज लाइक अ लायन ही शाउ्स लाइक अ लायन तो ही इज अ लायन तो और थोड़ी लैंग्वेज को इम्फोसाइज करने के लिए मैंने क्या बोला ही इज अ लायन मैंने डायरेक्ट उसको वो चीज बना दिया तो so, ये मेरा मेटरफॉर है दे आर आउल्स अगर मैं बोलू दो पीपल दे आर वेरी स्मार्ट दे नो हु इज कमिंग एंड वेन दे आर कमिंग नाउ दे आर आउल्स इज उल्लू पूरा अलर्ट रात को रहता है जागता रहता है कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा तो वैसे ही मैंने उनको आउल्स बना दिया दे आर आउल्स तो मेटाफॉर में जब मैं सब्जेक्ट को ही वो बना देती हूं उसको हम कहते हैं मेटाफोर ही इज अ टोटॉइज यू आर अ मंकी जिसमें बोलू ना यू आर अ मंकी यू ईट लाइक अ मंकी सिमली यू ईट लाइक अ मंकी लाइक आ गया तो सिमली आ गई अगर मैं बोलू मेटाफॉर यू आर अ मंकी

द स्काई स्वॉलोड द स्टार्स अब स्काय स्काई ने पूरे स्टार्स को सॉलो कर लिया अब स्वॉलो किस की क्वालिटी है सॉलो कौन करता है ह्यूमन फॉलो करते हैं कोई नॉन लिविंग थिंग तो सॉलो नहीं करेगी ना तो स्वॉलोड सॉलोड ऐसी क्वालिटी है जो ह्यूमन्स की है तो जब मैं नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन की क्वालिटीज को पुट करती हूँ इनहेरिट करती हूँ तो मेरी फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है नेक्स्ट इज द टाउन इज स्टिल स्लीपिंग कि टाउन में कोई भी नहीं है सब अभी तक सो रहे हैं तो टाउन इज स्लीपिंग मैंने टाउन उस टाउन को उस नॉन लिविंग थिंग के अंदर स्लीपिंग अगेन ह्यूमन क्वालिटी है ह्यूमन की क्वालिटी लेकर उस टाउन में डाल दी द टाउन इज स्लीपिंग तो दिस इज पसोनिफिकेशन जब ह्यूमन क्वालिटीज मैं किसी नॉन लिविंग थिंग में पुट करती हूं तो मेरा पसोनिफिकेशन है लेट्स गिव अट री क्या आई टोल्ड यू दिस इज पार्ट वन आई विल बी अपलोडिंग पार्ट टू ऑल्सो ना फर्स्ट इज सिमली मैंने आपको यह टिप दिया सिमली के अंदर आपने आज या लाइक like को देखना है. अगर आज या लाइक like है तो फिगर ऑफ स्पीच सिमली है नेक्स्ट मैंने आपको बोला था मेटाफॉर मैंने यह बोला था आज या लाइक like, मैंने कंपेयर किया बट यहां पर एक्चुअली उसको बना दिया उसको एग्जैक्ट उसी पर्सन में कन्वर्ट कर दिया नाउ अब हमारे नेक्स्ट में जो आप स्पीच थी एलिट्रेशन मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट अल्फाबेट को देखिए और उसकी साउंड भी देखिए जैसे पहला अल्फाबेट सेम है ओके नेक्स्ट साउंड भी सेम है तो आपका आ गया एलिट्रेशन तो एलिट्रेशन में अल्फाबेट्स और साउंड्स हमने दोनों देखने हैं। है आपका oxymoron. Oxymoron मैंने बोला था कि जब दो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स इकट्ठे यूज हो रहे हैं। अगली भी है ugly भी है। तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स प्रिटी अगली तो ऑपोजिट्स आ गए एक ही सेंटेंस में दिस इज माई ऑग्जी नेक्स्ट आई टोल्ड यू पसोनिफिकेशन मैंने पसोनिफिकेशन के आपको बोला था कि जब हम लिविंग की क्वालिटीज नॉन लिविंग थिंग में डाल देते हैं जैसे द टाउन इज स्टिल स्लीपिंग टाउन टाउन नॉन लिविंग है बट स्लीपिंग ऐसी क्वालिटी है जो लिविंग की है तो मैंने नॉन लिविंग के अंदर जब लिविंग की क्वालिटीज को इनहेरिट कर दिया तो वो मेरा पसोनिफिकेशन है सो टूडे वी डिड सिमिली मेटाफॉर एलिट्रेशन सोनिफिकेशन एंड ऑक्जीमरॉन आई होप आपको ये वाले फिगर ऑफ स्पीच का कंसेप्ट क्लियर होगा थैंक्स फॉर बींग सो पेशेंट